घटना है बुलंदशहर की, जहां चोरी की चार घटनाओं का खुलासा, 5.6 लाख रुपए बाइक और एक तमंचा बरामद। चोर गैंग के सदस्यों ने व्यापारी नेता अनिल देशभक्त और अधिवक्ता समेत चार लोगों के घर पर की थी चोरी की घटना। दिन में चोरी की घटना को अंजाम देते थे चोर गैंग के सदस्य। सीसीटीवी खंगालने के बाद हुआ खुलासा, जहां जहां चोरी हुई वहीं दिखाई दी चोरों की बाइक। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस ने किया चोरों को गिरफ्तार। कितने लोगों को गिरफ्तार की गई, क्या बरामद की गई? देखिए, पिछले लगभग एक माह में चार ऐसी सनसनीखेज वारदातें शहरी क्षेत्र में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर में ही, जिसने हम सबको बहुत ही परेशान किया। और इसमें सबसे पहली घटना 23 जून को व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अनिल देशभक्त के घर पे हुई। शाम के समय जब वो बाहर गए हुए थे, उनकी बहू अपने मायके चली गई थी और बेटा दुकान पर था। केवल कुछ घंटों के लिए घर में ताला बंद था। उनके घर में चोर ने घुस करके चोरी की दिन में। इसके बाद दूसरी घटना, एक वकील हैं शैलेंद्र कौशिक जी, शिवपुरी कॉलोनी के, 3 जुलाई को उनके यहाँ हुई, जब घर में ताला बंद था, परिवारीजन बाहर थे। और तीसरी लाला खां रेलवे कॉलोनी के निवासी हैं, उनके यहाँ घटना हुई थी दिन के समय, जब परिवारीजन बाहर थे। और चौथी घटना, जगदीश चंद्र जैन हैं, आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं, इनके घर पर हुई थी। तो इस तरह से चारों घटनाएँ दिन के समय हुई, चारों घरों में ताले बंद थे और ये बहुत ही सनसनीखेज टाइप की घटनाएं थी, जिससे लोगों में एक प्रकार का भय का भी माहौल व्याप्त था कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो जैसे ही लोग 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी घर में दरवाज़ा बंद करके बाहर जा रहे थे, चोरी हो जा रही थी। हमारी कोतवाली नगर की टीम ने बहुत ही परिश्रम किया और परिश्रम के बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और सर्विलांस आदि की मदद से उस आदमी को आइडेंटिफाई किया, जो हर घटना स्थल पर कहीं न कहीं उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे में एक विशेष मोटरसाइकिल के साथ दिखाई पड़ा। उस व्यक्ति की शिनाख्त कराई गई। उसकी शिनाख्त तस्लीम पुत्र अब्बास के रूप में हुई, जो कुछेजा गांव थाना कोतवाली देहात का था। और विशेष रूप से ये पाया गया कि जब जब चोरी की घटना हुई है, उन सभी इलाकों में इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध थे वहाँ पर दिखाई पड़ा और एक ही कपड़े में था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो चारों चोरी की घटनाएं थी उनके समय इसने जो कपड़े पहन रखे थे वो एक ही थे। तो इस व्यक्ति की शिनाख्त के बाद इसे उठाया गया और इन चारों घटनाओं का अनावरण हुआ। इसमें उल्लेखनीय है कि एक बहुत ही शातिर किस्म का चोर है और चार मामलों में पूर्व में नोएडा से जेल जा चुका है। विशेष रूप से लोहा चोरी के मामले जो फैक्ट्रियों से होते थे उनमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन प्रकरणों में जेल जा चुका है। पूछताछ में इसने बताया कि सऊदी अरब में भी ये कुछ दिन रहा है और वहाँ भी मारपीट के मामले में कुछ दिनों तक जेल गया था। फिलहाल इसके कब्जे से इस पूरे प्रकरण में लगभग 5,60,000 रुपए की रिकवरी की गई है, जिसमें 4.5 लाख रुपए श्री अनिल देशभक्त जी के यहाँ के चोरी के हैं और 1 लाख रुपए वकील श्री शैलेंद्र कौशिक जी के घर के चोरी के हैं। लाला खां के घर से केवल 4,000 रुपए गए थे, वो 4,000 इसके पास से बरामद किए गए हैं। जगदीश चंद्र जैन के यहाँ 10,000 रुपए गए थे चोरी के, जिसमें से 6,000 रुपए की बरामदगी की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह है कि इसके दो साथी दिल्ली के हैं, वो इसके घर आते थे और जब वो घर आ जाते थे तो ये रेकी करने के लिए निकलता था और शहरी क्षेत्र में जिसके भी मकान के बाहर ताला लगा हुआ दिखता था तत्काल फ़ोन करके अपने साथियों को बुला लेता था और वो 15 से 20 मिनट के भीतर घर में घुस करके चोरी करके गायब हो जाते थे। अभी उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। तो ये बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय कार्य हमारी टीम के द्वारा किया गया है। 25,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि टीम को दी गई। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।